कांग्रेस की मांग, बारिश से हुए नुकसान के लिए किसानों को मिले मुआवजा। कांग्रेस ने रविवार को नमी से जुड़े मानदंडों में छूट के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर धान और अन्य खरीफ फसलों की खरीद तत्काल शुरू करने की मांग की है। केंद्र ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा में 3 अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने का आदेश जारी किया हुआ था। इससे पूर्व हाल में भारी बारिश के कारण 11 अक्टूबर तक खरीद स्थगित करने के केंद्र के फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि सरकार खरीद में देरी करके और धान में नमी की मात्रा के मानदंडों में ढील नहीं देकर MSP खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र उन किसानों को 7 दिनों के भीतर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मुआवजा दे जिनकी फसलें हाल ही में बारिश से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सुरजेवाला ने एक बयान में आरोप लगाया है कि किसानों और मजदूरों की रोजी रोटी पर हमला करने की साजिश करना नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार की आदत बन गई है। पहले धान और अन्य फसलों की खरीद में देरी हो रही थी और अब वे धान में नमी की मात्रा के मानदंडों में ढील नहीं देकर किसानों की आजीविका पर चोट कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा में फसलों की खरीद 25 सितंबर तक शुरू होनी थी जिसे बदल दिया गया, जबकि विभिन्न मंडियों में लाखों क्विंटल फसल पड़ी है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 1 रुपए की भी खरीद नहीं हुई है। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार ने एक बार फिर MSP पर सरकारी खरीद की तारीख 3 अक्टूबर कर दी है। साथ ही कहा गया है कि मौजूदा मानदंडों के अनुसार MSP पर कोई फसल नहीं खरीदी जा सकती है जो फसलों में 17% तक नमी की अनुमति देता है, जबकि बाजार में फसलों में नमी की मात्रा 22 से 22.7% है। सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस की मांग है कि सरकार फसलों में नमी की मात्रा के लिए खरीद नियमों में तत्काल ढील दे ताकि किसानों को राहत मिल सके और उनकी फसल नष्ट ना हो। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर फसलों में खरीद में देरी कर रही है ताकि किसानों को उनकी फसलों का MSP न मिले और वे संकट में बेचने को मजबूर हो। साथ ही कहा है कि आजाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।